Dear students, welcome back. This is your section 3 of lesson number 6, My Financial Career. In this chapter, in the first and second section, I explained you that this is the story of the narrator who went to bank for the first time to deposit his monthly salary. He was nervous and everything in the bank was making him more nervous. In that nervousness only, he asked the accountant that he want to meet the manager alone. So the manager took him in a private room where he came to know that the narrator is going to deposit his monthly salary. So the manager asked the accountant to take narrator to him and to deposit his money. So section 3 now, I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick convulsive movement as if I were doing a conjuring trick. So the narrator, जो narrator है वो accountant के पास में गया और वहाँ पर उसने अपना जो पैसों की ball बना रखी थी नर्वसनेस में अपने पॉकेट के अंदर, वो सारी जो बॉल थी उसको उस अकाउंटेंट के पास में फेंक दिया. विद अ क्विक कन्वुलसिव मूवमेंट, कन्वुलसिव मूवमेंट हेयर मीन्स जल्दी से उसने उसको फेंक दिया और ऐसे फेंका जैसे कि वो कोई जादू करने वाला है. कंजरिंग ट्रिक मीन्स मैजिक ट्रिक, मैजिकल ट्रिक. माय फेस वाज गेसली पेल, मेरा जो कहता चेहरा जो था वो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था डर के मारे. हेयर आई सेड डिपॉजिटेड, द टोन ऑफ द वर्ड्स सीम टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज ऑन अस. अब बोलता मैंने वहाँ पर अपने पैसे उसकी तरफ एक जल्दी से फेंके थे जो, उनको देते हुए बोला कि ये हैं ये पैसे और इनको डिपॉजिट कर लो. कहता जो मेरी शब्द थे वो इतने ज़्यादा जल्दी जल्दी मैंने उसको बोले हुए थे, वो ऐसे लग रहे थे कि चलो इसको जल्दी से ख़त्म करें कि हम फटाफट इसको डाल दें इससे पहले कि मेरा जो माइंड है वो चेंज हो जाए. वाइल द फिट इज़ ऑन अस मीन्स इससे पहले कि मेरा माइंड, डायरेक्टर का माइंड चेंज हो जाए, चलो इसको पैसे के डिपॉजिट करवा दें. ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क, उसने कहता वो पैसे लिए और अकाउंटेंट ने वो दूसरे क्लर्क को दे दिए. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. उसने मुझे एक स्लिप दी जिसके ऊपर मुझे अपनी अमाउंट लिखनी थी और मुझे एक बुक दी जिसके अंदर मुझे साइन करने थे. I no longer knew what I was doing. कहते मुझे उसके बाद नहीं पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ. The bank swam before my eyes. मेरी आँखों के सामने जो बैंक था वो तैरने लग गया. यानी वो जो भी चीज़ अब कर रहा है वो सब चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं उससे, पर उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है. इज़ इट डिपॉजिटेड आई आस्क्ड इन ए होलो वाइब्रेटिंग वॉइस, कहते मैंने डर के मारे कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि क्या ये जमा हो गए. इट इज़ सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने बोला कि हाँ ये जमा हो गए. देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, फिर मुझे लगा कि मेरे को एक चेक ड्रॉ करना चाहिए, चेक लेना चाहिए. My idea was to draw out $6 of it for present use. मेरे कहते आइडिया था कि मैं जितने मैंने पैसे $56 जो जमा करवाए हैं उनमें से मैं $6 जो है वो ले लूँ, क्योंकि मेरे को अभी की जो ज़रूरत थी वो मेरी $6 में पूरी हो जाती. Someone gave me a checkbook. किसी ने मुझे चेकबुक दी through a wicket. उस जालीदार खिड़की में से. And someone else began telling me how to write it out. और कोई अलग से और एक आदमी था, उसने पर्सन ने मुझे हेल्प की कि उसमें कैसे मुझे लिखना है. द पीपल इन द बैंक हैड दैट आई वाज एन इनवैलिड मिलियनियर, कहते जो बैंक में जॉब थे उन सब के ऊपर ये इम्प्रेशन था कि शायद मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ. आई रोड समथिंग ऑन द चेक एंड थर्स्ट इट इन एट द क्लर्क, कहते मैंने कुछ चेक के ऊपर लिखा और फिर से क्लर्क के पास में उसको दे दिया. ही लुक्ड एट इट, उसने उसकी तरफ देखा. वॉट आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन, कहते फिर उसने मेरे को बोला अरे क्या तुमने तुम्हें सारे अभी फिर से तुम लेना चाहते हो. ही आज इन सरप्राइज,
वो थोड़ा हैरान होकर पूछने लगा. देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6. कहते तब मुझे समझ आया कि मैंने तो 6 की बजाय 56 लिख दिया है, यानी कि जितने जमा करवाए उतने ही वो वापस ले रहा है. आई वॉज टू फॉर गोन टू रीज़न नाउ. कहते अब मेरे पास कोई ऐसा और कारण नहीं था कि जो मैंने गलती से लिख दिया अब उसको कैसे उसको चेंज करें. आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. कहते अब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं इनको क्या रीज़न दूँ. ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी. सारे के सारे जो क्लर्क्स थे वो सब मुझे ही देखने लग गए. नाउ रेकलेस विद मिजरी आई मेड अ प्लंज. यस द होल थिंग. कहते इसलिए मुझे रेकलेस मतलब जल्दी से मुझे अब कोई डिसीजन लेना था, इसलिए मैंने बोला रिस्क लेते हुए मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे सारा ही पैसा निकालना है. यू वॉन्ट टू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक. तुम अपना पैसा बैंक से निकालना चाहते हो, एवरी सेंट ऑफ इट पूरा का पूरा निकालना चाहते हो. आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर. क्या तुम हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं करना चाहते हो. सैड द क्लर्क एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड मीन्स हैरान. हैरान होकर क्लर्क ने पूछा कि तुम हमारे बैंक में जमा नहीं करना रखना नहीं चाहते हो. नेवर उसने बोला. तब उसने कहता मैंने बोला नहीं कभी नहीं. एन इडियट होप स्ट्रक मी दैट दे माइट थिंक समथिंग हैड इंसल्टेड मी वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक एंड दैट आई हैड चेंज्ड माई माइंड. कहते एक मेरे अंदर एक बेकार सी बेवकूफ़ी वाली एक होप आई, एक आशा आई कि शायद उनको लगेगा कि इस मुझे बैंक वकील किसी पर्सन ने मेरी इंसल्ट कर दी हुई है, इसलिए मैंने उस चेक में अपना सारा का सारा अमाउंट जो है वो लेने का फिर से माइंड बना लिया है. आई मेड अ रेस्ड अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फ्यूफुली क्विक टेम्पर. कहते मैंने एक कोशिश की इस तरह का आदमी दिखने की कि जो कि मैं अपना जो मेरा टेम्परामेंट है जो मेरे जो चेंजेस हैं मूड जो हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं. द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी. क्लर्क ने फिर तैयारी कर ली मुझे पैसा देने की. हाउ विल यू हैव इट ही सेड. उसने बोला तुम इसको कैसे लेना चाहोगे. वॉट. फिर उसने कहा मैंने पूछा क्या. हाउ विल यू हैव इट. कैसे चाहते हो तुम ये पैसा. ओ आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s. कहते मैंने उसको बोल दिया बिना कुछ सोचे हुए. मैंने उसको सिंपल से बोल दिया कि मुझे 50s में चाहिए. He gave me a $50 bill. उसने मुझे $50 bill दे दिया. And the six he asked dryly. फिर उसने रूखा सा पूछा और जो $6 बचे हैं उनका in ones I said. उसने बोला वो मुझे एक एक करके दे दो, यानी कि $1 में दे दो. He gave it to me. उसने मुझे ये पैसे दिए. I rushed out. और मैं फटाफट से बाहर आ गया. As the big door swung behind me. कहते मेरे पीछे से जो दरवाज़ा था वो स्वंग हुआ बंद हुआ. आई कॉट द इको ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक. कहते जैसे दरवाज़ा बंद हुआ दरवाजे बंद होने से पहले पहले मुझे बहुत ज़ोर से लोगों की हंसने की आवाज़ सुनाई दी जो कि बैंक की सीलिंग तक छत तक सुनाई दे रही थी. सिंस देन आई बैंक नो मोर. इसके बाद बोलता मैंने कभी भी बैंक नहीं गया, ना ही बैंक में पैसे अपने डिपॉजिट करवाए. आई कीप माई मनी इन कैश. मैंने अपना पैसा हमेशा कैश में रखा. इन माई ट्राउजर्स पॉकेट. ट्राउज़र की पॉकेट में, पैंट की पॉकेट में. एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक. और फिर और जो मेरी जो सेविंग्स थी बोलते सिल्वर डॉलर्स में जो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया हुआ था उनको मैंने एक सॉक में रख लिया. सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर.